नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A32 4G versus Vivo Y33s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A32 4G में 6.26 इंच जबकि Vivo Y33s में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A32 4G में 2.9 इंच जबकि Vivo Y33s में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A32 4G में 0.33 इंच जबकि Vivo Y33s में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A32 4G में 184 ग्राम्स जबकि Vivo Y33s में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A32 4G में सुपर AMOLED जबकि Vivo Y33s में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A32 4G में 6.4 इंचेस जबकि Vivo Y33s में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A32 4G में 1080x2400 और Vivo Y33s में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A32 4G में 84.56% जबकि Vivo Y33s में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A32 4G में 411 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y33s में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A32 4G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y33s की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A32 4G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y33s की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU की बात करें तो A32 4G में Mali G52 MC2 जबकि Vivo Y33s में Mali G52 मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो A32 4G में 6GB जबकि Vivo Y33s में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A32 4G में 128GB जबकि Vivo Y33s में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A32 4G 21,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Vivo Y33s की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में A32 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है।
दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम है, दूसरा वीवो Y73 2021 है, तीसरा वीवो V21e 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y53s 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।